Sure to hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you will never miss an update. Also follow me on Instagram. My Instagram handle is @quickrecipes123. There I share the live updates of what I do and what I eat. Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm at the Savoy Sweets Greater Noida and I'll be spending my weekend at this place. I'm waiting for my room keys right now और अभी मैं बैठ के वेट कर रही हूँ रेस्टोरेंट में. दिस प्लेस इज़ रियली ब्यूटिफुल और मैं आपको एक बार ही दिखाती हूँ यहाँ का पूरा व्यू. मैं इस प्रॉपर्टी पे पहले भी आई थी अपना वीकेंड स्पेंड करने और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए थे. अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं देन यू कैन फाइंड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो आई फाइनली चेकड इन एंड राइट नाउ आई एम इन द पेंट्री बिकॉज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और मेरे को बहुत भूख लग रही है. अभी 11 बज रहे हैं और यहाँ पे लंच सर्व होता है अराउंड 1 PM. तो मैं सोचूँ कि तब तक की गिट्स के दाल मखनी चावल खा लेती हूँ. एंड हियर इज द माइक्रोवेव, तो मैं इन्हें माइक्रोवेव करने वाली हूँ. काफ़ी अच्छी पैकिंग लगती है मेरे को गिट्स के सामान की, मगर इस पर टेप लगा रखा है उसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. ये ना एक ट्रे में आता है और इसके अंदर एक स्पून होती है, टिश्यू पेपर होता है. तो इसकी अनबॉक्सिंग कर ली मैंने. इस तरीके से आता है ये. एक ट्रे है प्लास्टिक की और इसके अंदर दो सैशे हैं, एक राइस का है और दूसरा वाला दाल का है. स्पून इसमें इन्होंने वुडन दिया है, प्लास्टिक की देते तो बेटर रहता पर ठीक है ये भी चलेगा. एक टिश्यू पेपर भी है इसमें, ऐसे ना हल्दीराम के बॉक्सेस भी आते हैं. तो मैंने दाल चावल ट्रे में निकाल लिए हैं. नाउ आई एम गोइंग टू माइक्रोवेव इट और मैं अराउंड 5 मिनट्स के लिए इसे माइक्रोवेव करूँगी. मैंने ना राइस के ऊपर ही दाल डाल दी जिससे राइस अच्छे से हाइड्रेट हो जाए. नाउ लेट्स वेट. खुशबू बहुत अच्छी आ रही है एंड आई थिंक फूड इज ऑलमोस्ट रेडी. तो मैं उसे निकाल लेती हूँ माइक्रोवेव से. काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है, इतना अच्छा धुआं निकल रहा है दाल से, तो खुशबू बहुत अच्छी है. सो या नाउ आई एम गोना ईट दिस. खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है. बाकी कंपनीज के चावल इतने अच्छे कुक नहीं होते हैं बट इनके दिख रहे थे. दिस थिंग इज सो गुड. मैंने सोचा भी था कि गिट्स की दाल मखनी इतनी यमी होगी. ITC की भी आती है और उसकी दाल मखनी ना बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, दवाई जैसी लग रही थी, मगर ये वाली अच्छी है. यम्मी, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि पैकेट का खाना है.
बिल्कुल ही रेस्टोरेंट क्वालिटी फूड है ये, और मेरे को तो लग रहा है कि घर पे भी मैं इसे ऐसे ही गर्म करके खाने वाली हूँ मंगा के। टू गुड। मैं यहाँ पे गिट्स के दाल तड़का चावल भी लाई हुई हूँ, और मे बी वो मैं रात में खाऊँ। वैसे तो इस प्रॉपर्टी पे भी खाना काफ़ी सस्ता है, तो आप यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। मैं क्योंकि यहाँ पे पैंट्री थी, मैंने सोचा क्यों ना ऐसा कुछ ट्राई किया जाए। सो या गाइस, माय ओवरऑल रिव्यू ऑन दिस इज दैट इट इज़ वेरी गुड, और आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मैं इस बार भी सेम कैटेगरी के रूम में स्टे कर रही हूँ, इसलिए मैं रूम टूर वीडियो शूट नहीं कर रही, बिकॉज जब मैं लास्ट बारी आई थी तब मैंने प्रॉपर डिटेल्ड रूम टूर वीडियो शूट किया था। If you haven't watched that video yet, you can find a link in the eye. Hi guys, तो लंच आ गया है, एंड आई नो एंगल इज नॉट बेस्ट राइट नाउ, मगर खाना अच्छे से दिख रहा है इस तरीके से। सो या इज द फूड, पिछली बार ये थाली में लग के आया हुआ था, मगर इस बार इन्होंने सारा खाना एक साथ दे दिया है, मतलब दो लोगों का एक ही साथ सर्व कर रखा है। तो अब हम इसे अलग अलग अपनी प्लेट में सर्व कर लेंगे और फिर खा लेंगे। मैं इसे रिव्यू नहीं कर रही हूँ इस बारी, बिकॉज सेम खाना है। लास्ट बारी भी दाल तड़का आई थी, पनीर की सब्ज़ी आई थी और मिक्स वेज आई थी। पनीर की सब्ज़ी थोड़ी डिफरेंट है, दिस इज़ शाही पनीर और पहले कढ़ाई पनीर आई थी, बाकी सब कुछ सिमिलर है। हियर इज़ द सैलेड बटर स्टीम राइस एंड हियर इज़ द बटर नान। यहाँ पे बटर नान और रोटी दोनों का ऑप्शन होता है। इस बारी हमने बटर नान ऑफ किया है, हमने ना लास्ट बारी भी नान ऑफ किया था, मगर ये गलती से रोटी दे गए थे, बट कोई बात नहीं, इस बार ही हम नान ट्राई करेंगे। यहाँ पे दिस इज़ द बटर नान और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ना आप दाल और सब्ज़ी थोड़ी थोड़ी और मंगा सकते हो, आई मीन वैसे तो क्वांटिटी इनफ है, मगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि राइस ज़्यादा है नान ज़्यादा है, तो खाना एक बार ही आने के बाद आप फ़ोन करके उन्हें बोल सकते हो और वो आपको एक्स्ट्रा दाल सब्ज़ी दे जाएंगे। स्वीट डिश में यहाँ पे गुलाब जामुन आए हैं, लास्ट टाइम भी गुलाब जामुन थे, तो उन्हें तो मैं माइक्रोवेव में अलग से गर्म करके खाने वाली हूँ। प्लेट अच्छे से मेरी बहन ने सजा ली, आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है। सो यार, नाउ आई एम गोना फिनिश दिस फूड एंड आई विल मीट यू आफ्टर द लंच। फूड इज़ लिटरली द सेम, सब कुछ लास्ट टाइम जैसा है, बस इस बारी बटर नान है हमारे पास और शाही पनीर आया है। शाही पनीर इज़ नॉट माई फेवरेट, मगर कोई बात नहीं, बिकॉज मिक्स वेज भी है एंड आई लव मिक्स वेज। सो या रायता भी है, बूंदी का रायता है, लास्ट टाइम आई गेस बूंदी का रायता नहीं था, मिक्स वेजिटेबल रायता था लास्ट टाइम। बहुत ही अच्छा खाना है। और गुलाब जामुन मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी, ये रहे गुलाब जामुन। वैसे तो ये अभी गर्म है, मगर मेरा खाना फिनिश करने तक ठंडे हो जाएंगे, तो मैंने माइक्रोवेव करके खाऊंगी। आई जस्ट फिनिश द लंच एंड फूड वॉज रियली गुड। मैं सारा खाना फिनिश तो नहीं कर पाई, बट मैंने बचा हुआ फ्रिज में रख दिया है और उसे मे बी मैं रात में या फिर इवनिंग में गर्म करके खा लूँगी। मैंने लंच का डिटेल रिव्यू इस बारी इसलिए शूट नहीं किया बिकॉज फूड आइटम सेम थी, और जब मैं यहाँ पर लास्ट बारी आई थी मैंने लंच रिव्यू शूट किया था। इफ़ यू वॉन्ट टू चेक आउट दैट वीडियो यू कैन फाइंड अ लिंक इन द आई। इट्स अराउंड 2 PM राइट नाउ और यहाँ पर पूल ऑपरेशनल हो चुका है, सो आई गो देयर एट 4 PM। अभी भी जा सकती हूँ वैसे तो, मगर बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और मेरे को पता है मैं ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाऊँगी अगर इस टाइम जाऊँगी, तो इसलिए मैं इवनिंग में जाने वाली हूँ। अ लॉट ऑफ यू गाइज वॉच माई वीडियोज़ बट डू नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दैट विल नॉट ओनली सपोर्ट मी बट ऑल्सो मोटिवेट मी क्रिएटिंग मोर सच वीडियोज़।